नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। यूपी विधानसभा का सत्र का आज आखिरी दिन है। बता दें कि ये सत्र 29 जुलाई को शुरू हुआ था, जिसमें कई अध्यादेशों और अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा गया। साथ ही यूपी सरकार अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2 अगस्त यानी कि आज से 7 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में 75 देशों से 740 सदस्य भाग लेंगे, जिसमें 45% महिलाएं होंगी। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। बता दें कि सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया T20 सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। वहीं अब रोहित शर्मा की कप्तानी में वनडे सीरीज को फतह करने के लिए टीम मैदान में उतरेगी। बिग बॉस OTT3 का ग्रैंड फिनाले आज प्रसारित होगा। बता दें कि परंपरा से हटकर इस सीजन का फिनाले सामान्य वीकेंड स्लॉट के बजाय शुक्रवार को आयोजित किया गया है। आप ग्रैंड फिनाले को जियो सिनेमा पर लाइव देख सकते हैं, जहां पूरे सीजन को 24/7 स्ट्रीम किया गया है। सिट्रोएन इंडिया अपनी C3 एयरक्रॉस बेस्ड कूपे SUV बासाल्ट को देश में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज इसे आधिकारिक तौर पर अनवील किया जाएगा, जिसके बाद आने वाले हफ्तों में इसकी कीमत का भी ऐलान किया जाएगा। अपने लॉन्च के बाद सिट्रोएन बासाल्ट आने वाली टाटा कर्व को कड़ी टक्कर देगी। उत्तर प्रदेश में कई स्कूल और कॉलेज कांवड़ यात्रा के दौरान राज्य में इकट्ठा होने वाली भारी भीड़ के कारण 31 जुलाई को बंद कर दिए गए थे, जो कि आज भी बंद रहेंगे। बता दें कि इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से 2 अगस्त तक यानी कि आज तक होने वाली है। वहीं कल से सभी स्कूल खुल जाएंगे। रेलवे ने हरियाणा के हिसार और रेवाड़ी के लिए नई स्पेशल साप्ताहिक ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन आज से हर मंगलवार और शुक्रवार को भुज से शाम 5 बजे रवाना होगी। ये ट्रेन जयपुर स्टेशन पर बुधवार और शनिवार को सुबह 6:50 पर पहुंचेगी और 7 बजे फिर से रवाना होकर दिल्ली सराय पहुंचेंगी। आज जानवी कपूर स्टारर फिल्म उलझ सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। बता दें कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म में आपको जानवी कपूर, गुलशन देवैया, सचिन खेड़ेकर और आदिल हुसैन नजर आएंगे। आज 69वीं शोभा फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2024 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट कलाकारों, मास्टरमाइंड फिल्म निर्माताओं और कहानीकारों को सम्मानित करेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज जोरदार बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि बारिश के चलते शहर में जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1790 में अमेरिका में पहली बार जनगणना हुई थी। आज ही के दिन सन 1878 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1955 में सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। आज ही के दिन 1980 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैच का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2001 में पाकिस्तान से भारत से चीनी आयात को मंजूरी दी थी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।